बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। हमारी ये वीडियो उन तमाम लिबरल सेकुलर लंडे के अंग्रेज़ों और मुबत्ती माफिया अंटियों समेत नाम नहाद मजहबी और सियासी जमातों के नाम है जो पाकिस्तानी अवाम के दिलों से पाक फ़ौज की मोहब्बत निकालने के लिए तरह तरह के मफरूज़े गढ़ के कौम के सामने पेश कर रहे हैं, उल्टे सीधे नारे लगाकर पाकिस्तानी कौम को पाक फ़ौज से मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन बिलाल जफर शहीद की शहादत का वाक़या है। अपनी जान को मुल्क पर निसार करने के बाद अपनी वफाओं की दास्तान को अपने खून से लिखकर ये शहीद घर लौट रहा है। इसका मासूम बच्चा, इसकी बीवी और इसके वालदेन उसके इंतज़ार में खड़े हैं। शहीद की डेड बॉडी पहुँच चुकी है। हज़ारों का जम्बे गफीर उसके जनाजे के इर्द गिर्द जमा है। इस जनाजे में शामिल होने वाले जनाजे को बख्शवाने नहीं आए बल्कि अपनी बख्शिश का सामान करने आए हैं। इसके वालदे मोहतरम बड़े ही जज्बाती होकर बता रहे हैं, अल्लाह का लाख करम है कि जिसने हमारे ख़ानदान को एक शहीद दिया है। अल्लाह इसकी कुर्बानियों के सबब इस मुल्क में अमन व अमान लाए। ये हैं अल्लाह के वो वली जिनकी मोहब्बत तुम अवाम के दिलों से निकालना चाहते हो। तुम्हारी औलादें यूरोप और अमेरिका में पाकिस्तान से लूटे हुए पैसों से अयाशियां कर रही थी जब तुम अपनी बिल्लियों और कुत्तों की दवाइयां लेने के लिए इंग्लैंड जहाज़ भेजा करते थे। उस वक्त ये लोग अपनी जानें देकर मुल्क और कौम से अपनी वफाओं की दास्तान को अमर कर रहे थे। अपनी शहादतों के नजराने देकर हमेशा के लिए अमर हो गए थे। अपनी दास्तान वफा को अपने खून से तहरीर करके मुल्को कौम से अपने इश्क और शहादत की मौत को अपने गले से लगाए हुए ये शहीद पूरी कौम से सवाल कर रहे हैं, वफादार कौन है और गद्दार कौन है, मुल्क लौटने वाला कौन है और मुल्क बचाने के लिए जाने देने वाला कौन है, चोर और लुटेरा कौन है और मुहाफिज और सिपाही कौन है। रब्बुल इज्जत की ज़ात हमें अपने मोहसिनों की पहचान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।